नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को संचारी दस्तक अभियान का प्रदेश में करेंगे शुभारम्भ। दोपहर में देवरिया के लिए होंगे रवाना। वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1,90,000 हस्तशिल्पियों कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 5 जिलों के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 3% कम हुई महंगाई, लोगों को मिल रहा है रोजगार। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का कराया दर्शन। मुख्य न्यायाधीश को अंगवस्त्र एवं टेराकोटा की गणेश जी की मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूप किया प्रदान। शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में दी हिदायत। बोले, जनमानस को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या, सब मिलकर बरतें सतर्कता। बची खुची बीमारी छू मंतर करने की तैयारी में है योगी सरकार। गोरखपुर जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 साल से किसी भी मरीज की मौत नहीं। एएस से होने वाली मौतें भी इकाई में सिमटी। शुक्रवार को संचारी रोग दस्तक अभियान का प्रदेश में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने दी जानकारी। हत्या में वांछित 25,000 के इनामी को चिलुआताल पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। चिउटहा में स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में 2 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने कहा, बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश, जल्द होगी गिरफ्तारी। छह चौराहों को गोद लेकर कैमरा लगवाने वाले एस्प्रा के संचालक अतुल सर्राफ को एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजा व माल्यार्पण कर किया सम्मानित। कहा, चौराहों पर कैमरा लगने से शहर होगा सुरक्षित, अपराध और अपराधियों पर लगेगा लगाम। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्यर्चन हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्य केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वानों ने किया प्रतिभाग, रखे अपने अपने विचार। और क्षेत्र सेवा योजना कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 4 कंपनियों ने मेले में लिया प्रतिभाग, छात्रों को मिला रोजगार। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ पूजा अर्चन किया। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ की प्रतिमा पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शुक्रवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। लगभग 10:30 बजे मुख्यमंत्री बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर संचारी रोग दस्तक अभियान का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद देवरिया के लिए रवाना हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़, सिद्धार्थनगर सहित 5 जिलों के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया और लाभार्थियों से उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं NIC सभागार में 5 लाभार्थियों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश द्वारा 46 लाख रुपए के लोन का चेक वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पहले इस तरह का मेला आयोजित करना पूरी तरह से खत्म हो गया था, लेकिन 2017 में जब भाजपा की सरकार आई तो बहुत सी चुनौतियां थी। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य में युवाओं के स्वावलंबन का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। पहले की सरकार केंद्र की योजनाओं में किसी तरह की रुचि नहीं लेती थी और लुप्त हो रही थी। योजना के लिए भी कोई रुचि नहीं थी, कार्यों को करने में उनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं थी। 2017 में सरकार बनने के बाद एक जनपद एक उत्पाद की कार्य योजना बनाकर काम शुरू किया गया। इस समय 1,56,000 करोड़ के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का परिचय दिया है, जिसमें बैंकर्स ने सहयोग किया है। हमने बेरोजगारी को 3% कम कर दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, इसको आज की डिमांड के अनुरूप इसे हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी पूरी टीम को कैसे बधाई देता और ये नजर के आकर हमारे पास जो है फायदा कर रहे थे सर। हमारे यहाँ जो मशीनें अभी जरूरत हुई अपने आपको प्रदर्शन कर सकते हैं सर। सर ये एक ऐसी चीज हमारे को पूर्वजों ने जिन लोगों ने बुनकरी के क्षेत्र में ये कार्यक्रम प्रारंभ किया था, कभी उन लोगों ने ये कला सीखी होगी या इस कभी जब बात होती है तो वहाँ पे सीतापुर का नाम जरूर आता है और सीतापुर की दरी पूरे देश के अंदर बड़ी विख्यात है, लेकिन एक समय के बाद ये पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण सभी चीजें एक प्रकार से लुप्त प्राय सी हो गई थी। आज फिर से इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर जोड़ा क्रिसमस के साथ बनाया जा रहा है, जिससे आपको नई तकनीक मिल सके, मार्केट मिल सके, पैकेजिंग के साथ आपको जोड़ सके और भी सुविधाएं इसके साथ जोड़ सके, बैंकों के साथ आसानी से जोड़ने में भी योगदान दे सके। इसीलिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर इसीलिए स्थापित किया गया है। उन कितने बुनकर होंगे जो है आपके सीतापुर में इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े थे सर? 1,000 के से कुछ ज्यादा ही है सर, 1,000 से ज्यादा बुनकर हमारे जुड़े हैं सर। बुनकर वेलफेयर सोसाइटी है, सोसाइटी के साथ में सर बुनकर जुड़े हुए हैं सर। अच्छे ढंग से धैर्य के साथ आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं आपको और आपकी पूरी टीम को हृदय से बधाई भी देता हूँ और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। माउस लेकर आए, माउस और भारत की आर्थिक उन्नति में एक अहम योगदान के लिए अमेज़न की हमेशा से छोटे और मध्यम व्यवसायों को टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स से सशक्त करने की कोशिश रही है। अमेज़न के सारे इन्वेस्टमेंट्स उनकी तरक्की को रफ्तार देने पर केंद्रित हैं। 2020 में पहले अमेज़न संभव समिति में अमेज़न ने 1 करोड़ छोटे और मध्यम व्यवसायों को डिजिटाइज करने का संकल्प लिया था और इसी दिशा में एक जरूरी कदम बढ़ाते हुए जय कुमार गुप्त जी कृपया तैयार रहे। प्रगति मार्बल्स के राजेश सिंह लोन मेला कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम पत्रकार वस्त्र उद्योग विभाग के मंत्री
श्री राकेश सचान जी। अगर किन्हीं कारणों से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसके लिए राज्य सरकार एक संबल बनकर के उसके साथ खड़ी होगी और उसे हर प्रकार से मजबूती प्रदान करेगी। लेकिन इसके लिए हम नई योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को लेके आ रहे हैं। परिवार कार्ड हम जारी करने जा रहे हैं। जिन परिवारों ने अब तक कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त की, जिन लोगों ने कहीं भी कोई नौकरी और रोजगार जिन परिवारों ने नहीं प्राप्त किया, बहुत शीघ्र उसकी मैपिंग की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ होने जा रही है और हमारा प्रयास होगा कि कम से कम हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ने जा रही है और उसमें बैंकर्स की भी एक बड़ी भूमिका होने जा रही है। हमारे उद्यमियों का, कारीगरों का, हस्तशिल्पियों का, परंपरागत जो उत्पाद है, इन सभी की एक बड़ी भूमिका होगी और इस दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि हम अगले एक वर्ष के दौरान प्रयास करें कि यूपी के सीडी रेशो को हम लोग 53 से बढ़ा करके 55 तक पहुंचाने में योगदान दे सके और अगले 5 साल का एक लक्ष्य तय हो कि हम इसको 60% तक पहुंचाने में भी हम इसको आगे बढ़ा सकें। यानी यह कर्म दर कर्म आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो लोगों के मन में एक विश्वास बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति भी बढ़ेगा। आज अक्सर मेरे पास नौजवान आता है, कहता सा हम दो कमियां मैं देखता हूं और मैं बार बार अपनी संस्थाओं से इस बारे में कहता हूं कि शासन की योजना जिनके लिए बनाई जाती है उनको योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती। कारण है हमारी शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण संस्थाएं एक प्रकार का तटस्थ भाव रखती हैं शासन की योजनाओं से, उनके लिए अनिवार्य होना चाहिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहां पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था, क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए ये भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था, पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़कर के लगभग 53% प्राप्त कर रहा है। यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, ये कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं कि इनके पास खानदानी पूंजी रही हो, इन लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत की, अपने स्वावलंबन का रास्ता स्वयं बनाया और आज किसी ने अलग अलग यानी सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य आगे बढ़ाया। स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, बैंक उसके साथ जुड़े, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उन्हें समर्थन रहा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की वित्त पोषण की योजना और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की यह परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए, और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ODOP की ये योजना अपने आप में एक मिसाल है। उत्तर प्रदेश में जितना मैनपावर आपको मिलेगा, जितना माननीय मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद और आज के
विकास में योगदान देने का अब तक प्राप्त हुआ है। माननीय गत वर्ष प्रदेश में बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति का विवरण लीड बैंक से श्री ब्रजेश सिंह जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में दिया है। हम आपको आश्वासन देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार 2017 से ही लगातार रोजगार को लेकर बहुत जागरूक है और आज उसका फल है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर देश के सभी राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर सिर्फ 2.9% है, अर्थात 100 में सिर्फ 2.9% ऐसे लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, जबकि देश के ढेर सारे अन्य प्रांतों में स्थिति बहुत भयावह है। राजस्थान जैसे प्रांत में 28% की बेरोजगारी है। यह इसलिए है क्योंकि योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से स्वरोजगार देने का, उन्हें स्वयं संसाधन विकसित करने का और अपने संबल अपने बल के आधार पर अपनी विकास करने के रास्ते दिखा रही है। हमने MSMEs को करीब करीब 1,61,00,000 रोजगार दिया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट को हमने करीब 25,00,000 का रोजगार दिया। सरकारी नौकरियों में तकरीबन 3,50,000 रोजगार दिए और स्वरोजगार के आधार पर हमने 5,00,000 रोजगार क्रिएट किए हैं। और अभी हम एक योजना लेकर चल रहे हैं जब हम इस प्रदेश के 50,00,000 नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार के आभारी हैं जो समाज की जो मूलभूत आवश्यकता है रोजगार आए उसके लिए वो प्रयासरत है। इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दर्शन पूजन किया। तकरीबन 1.5 घंटा तक गोरक्ष पीठाधीश्वर कक्ष में CM योगी आदित्यनाथ के साथ वार्ता करने के बाद वह प्रस्थान किए। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का काफिला गुरुवार को 5 बजे गोरखनाथ मंदिर पहुंचा। उनके साथ शासकीय न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा, जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी, CGM मंगल देव सिंह भी मौजूद रहे। CM योगी आदित्यनाथ ने पोर्टिको में पहुंचने पर मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अपने साथ शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन के लिए लेकर पहुंचे, जहां वेद पाठी बालकों, मंदिर के पुजारियों एवं पुरोहितों ने विधि विधान से दर्शन एवं पूजन कराया। अखंड ज्योति के भी मुख्य न्यायाधीश ने दर्शन किए। उसके बाद गोरक्ष पीठाधीश्वर कक्ष में गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की, गोरक्ष पीठ की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। जलपान के बीच संवाद का दौर लंबा चला। 6:30 बजे मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल मंदिर से प्रस्थान के लिए उठे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य न्यायाधीश को अंग वस्त्र एवं टेराकोटा शिल्प से बनी भगवान गणेश जी की मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूप दिया। आग्रह किया कि वे जब भी गोरखपुर दौरे पर आएं, मंदिर दर्शन के लिए जरूर आएं। CM योगी आदित्यनाथ मुख्य न्यायाधीश को पोर्टिको तक छोड़ने भी आए। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरक्ष पीठाधीश्वर कक्ष में अधिकारियों संग बैठक में हिदायत दी कि शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबे में मानसून ने दस्तक दे दी है, इसलिए अधिकारियों कर्मचारियों को ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि आम जन को किसी तरह की दिक्कत और ना होने पाए। सभी संबंधित विभाग मुस्तैदी से जहां समस्या हो समाधान के लिए तत्पर रहें। गुरुवार दोपहर बाद गोरखनाथ मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों संग गोरक्ष पीठाधीश्वर कक्ष में बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से बुधवार को मानसून की पहली बारिश पर प्रभावित क्षेत्रों के बारे में पूछताछ की। बैठक में GDA के सचिव उदय प्रताप सिंह ने जल निकासी को लेकर किए जा रहे निर्माण कार्यों का अपडेट दिया। कहा कि GDA क्षेत्र में जल भराव की समस्या नहीं है, कुछ स्थानों पर दिक्कत थी जहां समाधान करा दिया गया। उधर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने CM को बताया कि थोड़ी देर में ही पानी निकल गया। देवरिया रोड एवं देवरिया बाईपास रोड पर निर्मित नाले से जल निकासी सुगम हुई है। नगर निगम की ओर से मेडिकल रोड पर पंप लगा पानी निकाल दिया गया है। कुछ स्थानों पर निर्माणाधीन नालों के बारे में भी जानकारी दी। नगर आयुक्त ने बताया कि जल निकासी को लेकर पूरी तैयारी है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के साथ पंप सहित अन्य
अन्य मशीनें भी तैयार हैं। विश्वास दिलाया कि पहली बारिश में लोगों को जल भराव की समस्या से नहीं जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर उस स्थान पर विशेष निगरानी रखी जाए जहां जल भराव की आशंका अधिक है, नालों की सफाई का ध्यान रखा जाए। बैठक में उन्होंने संचालित विकास परियोजनाओं की प्रगति की सीएम योगी ने जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को लंबे समय तक भयाक्रांत करने वाली इंसेफ्लाइटिस 2017 से साल दर साल काबू में आती गई है। इसे नियंत्रित करने वाले योगी सरकार अब बची खुची बीमारी को भी नियंत्रित करने की तैयारी में जुट गए हैं। कभी यह बीमारी पूर्वांचल के मासूमों के लिए मौत का दूसरा नाम थी। चार दशक तक इसकी परिभाषा यही रही, पर सिर्फ 5 साल में इसे काबू कर योगी सरकार ने इस जानलेवा बीमारी का ही दम निकाल दिया है। गत वर्ष और इस वर्ष गोरखपुर जनपद में अब तक जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई से एक भी मौत नहीं हुई है। यही नहीं, इस साल सामने आए एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के 27 मरीजों में से भी सभी सुरक्षित हैं। इंसेफ्लाइटिस को काबू में करने में संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान के परिणाम बेहद सकारात्मक रहे, आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं। वहीं 2016 व 2017 में जहां गोरखपुर जिले में AES के क्रमशः 701 व 874 मरीज थे और उनमें से 139 व 121 की मौत हो गई थी, वहीं 2021 में मरीजों की संख्या 251 व मृतकों की संख्या सिर्फ 15 रह गई। जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले जहां 2016 व 2017 में क्रमशः 36 व 49 मरीज मिले थे और उनमें से 9 व 10 की मौत हो गई थी, वहीं 2021 में जेई के 14 व चालू वर्ष में सिर्फ 5 मरीज मिले और मौत किसी की भी नहीं हुई, यानी जेई से होने वाली मौतों पर 100% नियंत्रण। AES से होने वाली मौतों पर भी 95% तक नियंत्रण पा लिया गया। AES को लेकर थोड़ी सी जो कसर रह गई है उसे भी दूर करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1978 में पहली बार दस्तक देने वाली इस विषाणु जनित बीमारी की चपेट में 2017 तक जहां 50,000 से अधिक बच्चे असमय काल के गाल में समा चुके थे और करीब इतने ही जीवन भर के लिए शारीरिक व मानसिक विकलांगता के लिए शिकार हो गए, वहीं पिछले 5 सालों में ये आंकड़े दहाई से होते हुए इकाई में सिमटते गए। इस महामारी का केंद्र बिंदु समझे जाने वाले गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में एक दौर वह भी था जब हृदय को भेदती चीखों के बीच एक बेड पर 2 से 3 बच्चे भर्ती नजर आते थे। अब इस वार्ड के अधिकांश बेड खाली हैं। यह संभव हुआ इस महामारी को करीब से देखने वाले बतौर सांसद लोकसभा में हमेशा आवाज उठाने और मुख्यमंत्री बनने के बाद टॉप एजेंडा में शामिल कर इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का संकल्पित व समन्वित कार्यक्रम लागू करने वाले योगी आदित्यनाथ के संवेदनशील प्रयासों से। अकेले गोरखपुर जनपद की बात करें तो इंसेफ्लाइटिस रोगियों के इलाज के लिए यहां 19 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर ETC, 3 मिनी PICU, 1 PICU, PICU में कुल 92 बेड तथा BRD मेडिकल कॉलेज में 313 बेड रिजर्व है। इसके अलावा PICU व मिनी PICU में 26 तथा मेडिकल कॉलेज में 77 वेंटिलेटर उपलब्ध है। 1978 में जापानी इंसेफ्लाइटिस के मामले पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहली बार सामने आए। इसके पहले 1956 में देश में पहली बार तमिलनाडु में इसका पता चला था। चूंकि इंसेफ्लाइटिस का वायरस नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, इसलिए जन सामान्य की भाषा में इसे मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार कहा जाने लगा। बीमारी तब नई नई थी तो कई लोग नौ की बीमारी भी कहने लगे। हालांकि देहात के इलाकों में 4 दशक पुरानी बीमारी आज भी नौ की बीमारी की पहचान रखती है। 1978 से लेकर 2016 तक मध्य जून से मध्य अक्टूबर के 4 महीने प्रदेश के पूर्व यानी गोरखपुर और बस्ती मंडल के लोगों खासकर गरीब ग्रामीण जनता पर बहुत भारी गुजरते थे। भय इस बात का न जाने कब उनके घर के चिराग को इंसेफ्लाइटिस का झोंका बुझा दे। मानसून में तो खतरा और अधिक होता था, कारण बरसात का मौसम वायरस के पनपने को मुफीद होता है।
1978 से 2016 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष औसतन 1200 से 1500 बच्चे इंसेफ्लाइटिस के क्रूर पंजे में आकर दम तोड़ देते थे। सरकारी तंत्र की बेपरवाही से 2016 तक कमोवेश मौत का यह सालाना इबारत लिखी जाती रही। मौत के इस खेल में सिर्फ बदलाव बीमारी के नए स्वरूप का हुआ। जापानी इंसेफ्लाइटिस जेई के नाम से शुरू यह बीमारी अब एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के रूप में भी नौनिहालों की जान की दुश्मन बन गई। पर 2017 के बाद इंसेफ्लाइटिस पर नियंत्रण के उपायों से दिमागी बुखार का खौफ दिलो दिमाग से दूर होता चला गया। इंसेफ्लाइटिस के मुद्दे पर दो दशक के अपने संघर्ष में योगी इस बीमारी के कारण निवारण के संबंध में गहन जानकारी रखते हैं। बीमारी को जड़ से मिटाने के अपने संकल्प को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के साथ स्वच्छता, शुद्ध पेयजल और जागरूकता को मजबूत हथियार माना। इसी ध्येय के साथ उन्होंने अपने पहले ही कार्यकाल में संचारी रोगों पर रोकथाम के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान का सूत्रपात किया। यह अंतर विभागीय समन्वय की ऐसी पहल थी जिसने इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन की इबारत लिखने को स्याही उपलब्ध कराई। योगी सरकार के इस अभियान को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला 2014 से जारी मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के रूप में। इस अभियान से खुले में शौच से मुक्ति मिली जिसने बीमारी की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शुक्रवार को संचारी रोग दस्तक अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे जो कि एक महीने तक चलेगा, जिसमें 12 विभाग को शामिल किया गया है, जिसके तहत गाँव में साफ सफाई, जल जमाव को दूर करना या अगर किसी गांव में शौचालय नहीं बना है तो उस गांव में शौचालय बनवाना, जिससे कि बरसात में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने कहा, कल जनपद में इनफैक्ट पूरे प्रदेश में संचारी रोग अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग से शुरू किया जाएगा। ये बेसिकली एक महीने का कार्यक्रम है जिसमें 16 के बाद दस्तक कार्यक्रम भी, 12 विभाग इसमें इन्वॉल्व है। इसके समन्वय से ही जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रिवेंटिव कार्रवाई वो किया जाएगा, जैसे गाँव में साफ सफाई, गाड़ी घंटा का क्लियरेंस, कहीं जल भरा हुआ इसको निकलवाना, रिमोट, अगर शौचालय कहीं छूट रहा है वहाँ निर्माण, तो हर विभाग अपना अपना स्कीम कवर करें की। चिलवाताल पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने हत्या में वांछित 25,000 के इनामी दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को महुआ अतर बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान संजय निषाद पुत्र राम सावर निषाद निवासी ग्राम देवीपुर टोला लक्ष्मणपुर थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर, दूसरा राम सावर निषाद पुत्र स्वर्गीय ब्रिजलाल निवासी ग्राम देवीपुर टोला लक्ष्मणपुर थाना चिलवाताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई। SP नार्थ ने बताया कि दोनों अभियुक्तों को हत्या के मुकदमे में वांछित चल रहे थे और गिरफ्तारी के डर से न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए जाने के लिए महुआ अतर तिराहे से कचहरी जाने के फिराक में थे, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में चिलवाताल थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमित राय, सर्विलांस टीम प्रभारी राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल वीरेंद्र यादव, पवन यादव, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, अरुण राय शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, महिला वर्सेस महिला कहीं बनी है, लेकिन आज चिलवाताल पुलिस द्वारा दो 25,000 के इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम संजय व राम सावर निषाद हैं। ये मुकदमा संख्या 230/2021 में
फरार हुए थे, तब से लगातार फरार चल रहे थे। इनके ऊपर 25,000 का इनाम किया गया था। इनकी गिरफ्तारी करने वाली टीम में चिलवाताल इंस्पेक्टर और उनके वरिष्ठ उपनिरीक्षक और बाकी टीम शामिल हैं। इनको गिरफ्तार करके और जेल भेजा गया। बरामदगी तो नहीं हुई इनके पास से, लेकिन ये शातिर अपराधी हैं, हत्या के अपराध में वांछित थे और लगभग 1.5 साल से फरार थे। अब इनकी गिरफ्तारी की गई, इनको चिलवाताल थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को संचारी दस्तक अभियान का प्रदेश में करेंगे शुभारंभ। दोपहर में देवरिया के लिए होंगे रवाना। वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1,90,000 हस्तशिल्पियों कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 5 जिलों के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 3% कम हुई महंगाई, लोगों को मिल रहा है रोजगार। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए इलाहाबाद प्रयागराज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का कराया दर्शन। मुख्य न्यायाधीश को अंगवस्त्र एवं टेराकोटा की गणेश जी की मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूप किया प्रदान। शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में दी हिदायत। बोले, जनमानस को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या, सब मिलकर बरतें सतर्कता। बची खुची बीमारी छूमंतर करने की तैयारी में है योगी सरकार। गोरखपुर जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 साल से किसी भी मरीज की मौत नहीं, एएस से होने वाली मौतें भी इकाई में सिमटी। शुक्रवार को संचारी रोग दस्तक अभियान का प्रदेश में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस ने दी जानकारी। हत्या में वांछित 25,000 के इनामी को चिलवाताल पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। चिउटहा में स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में 2 अभियुक्तों को चिलवाताल पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी नॉर्थ ने कहा, बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश, जल्द होगी गिरफ्तारी। छह चौराहों को गोद लेकर कैमरा लगवाने वाले एस्प्रा के संचालक अतुल सर्राफ को एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजा व माल्यार्पण कर किया सम्मानित। कहा, चौराहों पर कैमरा लगने से शहर होगा सुरक्षित, अपराध और अपराधियों पर लगेगा लगाम। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्यर्चन हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्य केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन। विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वानों ने किया प्रतिभाग, रखे अपने अपने विचार। और क्षेत्र सेवा योजना कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन। 4 कंपनियों ने मेले में लिया प्रतिभाग, छात्रों को मिला रोजगार। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हां, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसड़, गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर
फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोल घर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाएं। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि शहर में हो रहे जाम को देखते हुए वाहन पार्किंग स्थलों की संख्या को बढ़ाया जाए, शहर के सभी चौराहों पर सीसीटीवी लगवाया जाए जिससे पता चल सके कौन सा व्यक्ति किस गाड़ी में बैठकर कहां जा रहा है और कोई अपराध करके कहीं जा रहा है तो पता चल सके। उन्होंने कहा अगर कहीं पर भी कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। वहीं इस संबंध में आरटीओ अनीता सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में ई रिक्शा संचालन के लिए 19 मार्गों का चयन किया गया व उसी रूट पर चलेंगे जिससे जाम नहीं लगेगा, जिसके लिए बैठक की जा चुकी है। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि वह अगर एक ही मार्ग पर चलेंगे तो पैसा नहीं कमा पाएंगे और किस्त की भरपाई नहीं हो पाएगी, जिसके लिए शासन से मार्गों में व्यवस्थित करने के लिए लेटर आ चुका है, जिस पर मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि अगर कोई ई रिक्शा चालक अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चलता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि चौराहों पर ज़्यादा वाहन खड़े होने से और सवारी भरने से जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, आरटीओ अनीता सिंह, एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह, एआरटीओ श्यामलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। के लिए हम लोगों ने लेटर मंगाने के लिए बोला था इनसे, इनको हम लोगों ने दो तीन बार से लेटर भी भेजा था, अफसर उनको बुलाया है कि अपने देखिए कम से कम जो भी ट्रैवल करके आए हुए हैं वो या तो ये टैक्सी का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा, मुझे पता होना चाहिए फला लोग आए हुए थे और फला गाड़ी में बैठे, उसकी ड्राइवर का नंबर ये है, वो ड्राइवर का फोटो ये है, कुछ तो हमें पता चलना चाहिए। वो क्योंकि यहाँ आने वाले कुछ लोग कुशीनगर जाएंगे, कुछ लोग महाराजगंज जाएंगे, किसी भी गाड़ी में बैठ के गए हुए हैं, कोई हमें पता नहीं चलेगा तो काम दिक्कत होगी वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। वो जो सामने वाले जो जो सरकारी जमीन है, मैंने कहा भी था कि वो 10 एकड़ की जमीन है, वहाँ पे पार्किंग का व्यवस्था, ये सब व्यवस्था आपको आप लोग मिल करके कर देना चाहिए। एमपी इसको टॉप प्रायोरिटी में ले लीजिए, कल कोई प्रॉब्लम होगा मैं बता रहा हूँ आप लोगों की, मेरे आगे के लिए हम लिख देंगे। सामने ही सर रेलवे की लैंड है सर, वहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे सर हम लोग ओपन। सही सही ये कह रहा हूँ, टेंडर का प्रक्रिया आप कर लीजिए ना, कोई भी एजेंसी आएगा यस सर उनको तो हमें पूरी पता चलेगा कि वो कौन सी गाड़ी में बैठ के गए हैं, और कल कोई शिकायत करेगा कि साहब वो आए थे और हमें पता नहीं है अभी कहाँ पर है, तो फिर आप क्या करेंगे?
सर इसलिए ये है सर क्योंकि लैंड जो है सर हमारे इसको जिम्मेदारी सौंप दीजिए, सिर्फ हम उसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा दीजिए, मैं ट्रैकिंग करवा लेता हूँ। आप मैडम आप उसका वो दे दीजिए, लीड दे दीजिए। ठीक है, ठीक है ना, कि कर लीजिए। इनके तरफ से जो मदद आपको चाहिए वो हम लोग दे देंगे। बहुत दिन हो गया, एक साल हो गया, इनको जल्दी होना चाहिए। साथ ही रखने का सर हम लोग वैसे ही चल रहा है सर। कुछ रेट्रोफिटमेंट वाले सर पिछली बार आए थे चार लोग, उनको हम लोगों ने सशर्त 3 साल के लिए पालिका पत्र दे दिया है सर। बिंदु संख्या 3 है सर। सर बिंदु संख्या 4 में है कि जो ई रिक्शा को सुव्यवस्थित संचालन के लिए हम लोगों ने मार्गों को जो है पुण्य मार्गों के लिए निर्धारित किए थे, और इसके सापेक्ष हम लोगों ने इनसे 2-3 बार सर मीटिंग कर ली है, और एक बार तो सर SP ट्रैफिक के साथ भी हमारी सब मीटिंग हुई थी। पर उन लोगों को अपनी समस्या ये बता रहे हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मार्ग में चलेंगे, छोटे मार्ग होंगे, तो हम लोगों का भरपाई नहीं हो पाएगी, हम लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे और हम लोगों का जो है। लेकिन सर ये जरूरी है, हमारे प्रमुख सचिव का भी लेटर आ चुका है कि उनको मार्गों में व्यवस्थित करना आवश्यक है सर। सर ये मैसेज न्यू वेलकम मारुति मेडिकल कॉलेज के हैं, बिंदु संख्या 5 पे सिटी बसें हैं सर। उसका स्टैंड निर्धारित किया गया था, 14 मार्ग थे सर, उसमें 7 स्टैंड का पुनर्निर्धारण किया गया था, और जैसे स्टैंडर्ड रूट के सामने रेलवे स्टेशन के सामने पाया गया है सर। दो कई जगह तो हो रही है सर। चिलुआताल थाना क्षेत्र के चूटाहा में स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, कुछ युवक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। जब पेट्रोल भरवा लिया तो उनको पेट्रोल कम देने का अंदेशा लगा, जिस पर युवकों ने पेट्रोल कम देने का विरोध किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद पेट्रोल पंप कर्मियों ने युवक से मारपीट किया, जिसके मारपीट का CCTV फुटेज वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मारपीट की घटना में पेट्रोल पंप के मैनेजर व एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। बाकी वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है, जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, हम सब पूरे मामले को सोच रहे थे कि शांति से खत्म हो जाए, शांति से खत्म हो जाए। मेरे जाओगे कल नहीं गलती गई बात से किसी से रोड पिस्टल छीन नहीं सकते क्या नहीं है क्या शोरूम देखना है बंधन नीचे है सर ऐसी छीन नहीं बोलेंगे हम सर जी कहीं पर भी डाला था डाला ही नहीं सर ना तो बिल दिया ना तेरे डाला तो सर जी मेजरमेंट के साथ हर चीज़ चेक कराते फोन तो आपको करना चाहिए सर तो फोन ही कर रहे तो बता दें कि सर को रिफंड यहाँ का मैटर है मोबाइल नंबर भेज रहे थे भागो से भेजवा ले रहे उसकी तनखा में रहते थे अरे यार भाग यहाँ से भाग शांत उस प्रकरण में छानबीन की गई और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। जो पेट्रोल पंप के मैनेजर थे उनकी गिरफ्तारी की गई है और एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। शेष अभियुक्तों की तलाश जारी है और दबिश दी जा रही है, शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी।
सर क्या मामला था क्यों कुछ पता चल पाया? ये पेट्रोल पे कुछ पेट्रोल कम देने को लेकर विवाद हुआ था और वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने गांव से कुछ लोगों को बुलाकर वहां मारपीट किया। एडीजी जोन अखिल कुमार ने 6 चौराहों को गोद लेकर कैमरा लगवाने वाले एशपरा के संचालक अतुल सर्राफ का माल्यार्पण कर बैंड बाजे के साथ स्वागत किया, जिसके संबंध में एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत शहर के सम्मानित नागरिकों व व्यापारियों से अनुरोध किया गया था कि वह अपने घर व दुकान के चौराहों को गोद ले, जिसको देखते हुए एशपरा के संचालक अतुल सर्राफ व अनूप सर्राफ ने गोद लेने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है, जिससे ऑपरेशन त्रिनेत्र को एक नई ऊर्जा मिली है। उन्होंने कहा, जब कोई सामाजिक कार्य करना होता रहता है तो एशपरा हमेशा आगे आया है और शहर के विकास में भी अपना योगदान देता रहता है। चौराहों पर कैमरा लगने से गोरखपुर एक सुरक्षित शहर बनेगा, लोग सुरक्षा के साथ शहर में बिना डर के आ जा सकेंगे, जिसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एशपरा के संचालक अतुल सर्राफ एवं एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा सर को, जिन्होंने हमारे शहर के लिए ऐसा सोचा। सर तो सर ने सोचा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह शहर तो हमारा है, हम लोग को यहाँ हमेशा रहना है। तो हम लोगों ने जो भी किया है, यह एक बहुत ही छोटा सा वो है, और जैसा कि एशपरा हमेशा करता रहा है, एशपरा हमेशा सामाजिक कार्यों में आगे रहा है, और क्यों ना रहे। गोरखपुर शहर हमारा है, हम लोगों को यहाँ रहना है, हम लोगों को यहाँ के माहौल को अच्छा बनाना है, लोग यहाँ पर सेफ महसूस करें और लाइफ को एंजॉय करें। इसके लिए मैं फिर से अखिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों की शहर के लिए इतना सोचा। धन्यवाद। देखिए, जो त्रिनेत्र अभियान के तहत में हम लोगों ने शहर के जो अच्छे नागरिक हैं उनसे अनुरोध किया था कि चौराहों को गोद ले, उसी क्रम में हमारे एशपरा जो हमारा एक गोरखपुर की शान है, और जो अतुल और अनूप जी जो हमेशा सामाजिक कार्यों में कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, उन्होंने इस जब अभियान के बारे में जानकारी पता लगी
तो स्वतः सामने आए हैं और उन्होंने 6 चौराहे अभी तक हमें बताए हैं जिनको गोद लेने का इन्होंने निर्णय लिया है। एक बड़ा ही सराहनीय कदम है और इस अभियान में एक नई गति और नई ऊर्जा हमें मिली है उनके सहयोग से। ऐश्वर्या ग्रुप गोरखपुर के विकास की ओर हमेशा अग्रसर है, कई रूप में वह मदद करता है, सामाजिक कार्यों में मदद करता है, जो शहर है उसके डेवलपमेंट में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और एक साफ स्वच्छ छवि के लोग हैं। उनका ये कंट्रीब्यूशन निस्संदेह गोरखपुर को एक सेफ शहर बनाने में एक नई दिशा देगा। साथ ही साथ जो एक सामाजिक कार्य है जिससे एक शहर के आम नागरिक इन स्थानों पर गुजरेंगे और एक सुरक्षित माहौल देंगे, इस सामाजिक कार्य से लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। मैं उनका अपने विभाग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्यार्चन हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए महाविद्यालय में गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र व भारत का स्वाधीनता संघर्ष एवं हिंदी पत्रकारिता की भूमिका पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से विद्वान शोध छात्र के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। उन्होंने कहा, संगोष्ठी के माध्यम से ज्ञात अज्ञात जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने पत्र व पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय समाज की प्रसार चेतना में अपनी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से निभाई थी, उनके जीवन पर प्रकाश डालने के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह ने कहा, शिक्षा संस्कृति आचार्य सिद्धार्थ शंकर जी मंच पर हमारे बीच है, हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। अपने बीच मेरे बड़े भाई लेकिन मित्रों व्यवहार रखने वाले डीसीएस के महाविद्यालय नवनाथ भंजक के मेरे साथ ही नियुक्त प्राचार्य, संघ विचारधारा के संगठनों में कार्य करने का जिनका लंबा अनुभव, संप्रति स्वदेशी जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक के नाते उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी मंच पर हमारे बीच है, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय डॉक्टर प्रतीश दुबे जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में और दुनिया में मनाया जा रहा है, उसी के क्रम में हमारे महाविद्यालय में गोरखनाथ साहित्यिक केंद्र एक प्रकल्प चलता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के माध्यम से। उसी प्रकल्प के द्वारा भारत का स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता की भूमिका, इस विषय पे एक दिवसीय सेमिनार है जिसमें विभिन्न विश्वविद्यालयों से विद्वज्जन, शोध छात्र और सेमिनार के प्रतिभागी आए हुए हैं।
और हमारा महाविद्यालय इसका आयोजन कर रहा है। इसमें जो ज्ञात अज्ञात जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय सामाजिक चेतना के प्रसार में अपनी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निभाई थी, उनको महत्व देते हुए इस वक्तव्य को हम लोग आज आयोजित किए हुए। जनपद में गुरुवार को कचहरी स्थित क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक राज बिहारी चतुर्वेदी ने बताया कि 4 कंपनियों ने रोजगार मेले में प्रतिभाग किया है, जिसमें सभी कंपनियों का अलग अलग रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा यह मेला हर महीने आयोजित होता है, जिसमें अलग अलग कंपनियां भाग लेती हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। इसके बाद जो रोजगार मेला आयोजित होगा उसमें 1200 छात्रों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय के सहायक निदेशक राज बिहारी चतुर्वेदी ने कहा जी। आज 4 कंपनियां रोजगार मेले में आ रही हैं, जिसमें रूपन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, इसके 200 पद हैं कैप्टन राइडर के। दूसरी कंपनी हमारी पशुपतनाथ बायोटेक्नोलॉजी है, इसके 68 पद हैं। और तीसरी ब्राइट फ्यूचर ऑर्गेनिक है, इसके 45 पद हैं। चौथी LIC है, जो अपना पद अभी नहीं दिए लेकिन 50 से ज़्यादा उनके पास भी है। सर, यहाँ का कुछ लक्ष्य रखा है? नहीं, यहाँ का हर महीने का लक्ष्य होता है, लेकिन दिखाया वार्षिक ही जाता है। हमारे जो वार्षिक लक्ष्य हुए वो पूरे हो जाएंगे। अभी तो इस साल का टोटल वार्षिक लक्ष्य नहीं आया है, मासिक लक्ष्य ही चल रहा है। हर महीने हमको मेला करना होता है। इस महीने जो बृहद रोजगार मेला था वो कुछ तकनीकी कारणों से निरस्त किया गया, उसको अगले महीने करेंगे हम। तो उसमें लक्ष्य हमारा लगभग 1200 बच्चों का है, वो पूरा भी कर लेंगे। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद पहुँचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। BRD मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को संचारी दस्तक अभियान का प्रदेश में करेंगे शुभारम्भ। दोपहर में देवरिया के लिए होंगे रवाना। वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1,90,000 हस्तशिल्पियों कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ का ऋण वितरण और वार्षिक ऋण योजना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। 5 जिलों के लाभार्थियों से किया वर्चुअल संवाद। कहा, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 3% कम हुई महंगाई, लोगों को मिल रहा है रोजगार। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोरखनाथ का कराया दर्शन। मुख्य न्यायाधीश को अंगवस्त्र एवं टेराकोटा की गणेश जी की मूर्ति स्मृति चिन्ह स्वरूप किया प्रदान। शहर में जल भराव बर्दाश्त नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में दी हिदायत। बोले, जनमानस को नहीं होनी चाहिए कोई समस्या, सब मिलकर बरतें सतर्कता।
बची खुची बीमारी छूमंतर करने की तैयारी में है योगी सरकार। गोरखपुर जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस से 2 साल से किसी भी मरीज की मौत नहीं, एएस से होने वाली मौतें भी इकाई में सिमटी। शुक्रवार को संचारी रोग दस्तक अभियान का प्रदेश में सीएम योगी करेंगे शुभारंभ, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश ने दी जानकारी। हत्या में वांछित 25,000 के इनामी को चिलुआताल पुलिस व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने की बैठक, शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पार्किंग स्थल को बढ़ाने के लिए दिए निर्देश। चिउटहा में स्थित न्यारा पेट्रोल पंप पर मारपीट के मामले में 2 अभियुक्तों को चिलुआताल पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी नॉर्थ ने कहा बाकी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश, जल्द होगी गिरफ्तारी। छह चौराहों को गोद लेकर कैमरा लगवाने वाले एस्प्रा के संचालक अतुल सर्राफ को एडीजी जोन अखिल कुमार ने बैंड बाजा व माल्यार्पण कर किया सम्मानित, कहा चौराहों पर कैमरा लगने से शहर होगा सुरक्षित, अपराध और अपराधियों पर लगेगा लगाम। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पोषित साहित्यर्चन हिंदी विभाग एवं गोरखनाथ साहित्य केंद्र दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्वाधीनता संघर्ष और हिंदी पत्रकारिता विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया गया आयोजन, विभिन्न महाविद्यालयों के विद्वानों ने किया प्रतिभाग, रखे अपने अपने विचार। और क्षेत्र सेवा योजना कार्यालय पर रोजगार मेले का किया गया आयोजन, 4 कंपनियों ने मेले में लिया प्रतिभाग, छात्रों को मिला रोजगार। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।